नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों 22 दिसंबर शुक्रवार का दिन है, आज है एकादशी, मोक्षदा एकादशी, मतलब आज है भगवान विष्णु का दिन। आज शुक्रवार है, मतलब आज है माता लक्ष्मी का दिन। आज बिना भूले घर में लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। कथा सुने, जो लोग एकादशी के दिन घर में भगवान सत्य नारायण की कथा सुनते हैं, कभी भी उन्हें पितृदोष नहीं लगता। जिनके घर में बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, सब इकट्ठे बैठे हैं, अचानक अच्छी बातें करते करते घर में लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है, स्वप्न में घर के वो व्यक्ति जिनका स्वर्गवास हुआ है बार बार दिखाई दे रहे, समझिए पितृदोष है। एकादशी वाले दिन आप कथा सुनना शुरू कर दे भगवान सत्यनारायण की, आप देखेंगे पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी। शादी अगर नहीं हो रही है, बहुत अच्छा है, मैंने एक ब्रेसलेट आपको बताया है, वो है अर्लियर मैरिज ब्रेसलेट, आप जरूर उसे मंगवाएं। और जिसकी भी आपके घर में शादी नहीं हो रही है उसे पहना दे, 3 महीने के अंदर अंदर शादी के योग बनने लग जाएंगे। मोक्षदायक एकादशी है, तो आज के दिन जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा दान पुण्य करें, अनाज का दान करें, वस्त्रों का दान करें, वस्त्रों में भी ऊनी वस्त्रों का दान करें, जिससे आपका भाग्य चमकेगा। आज के दिन कोशिश करें भगवद गीता का दान करें। आज के दिन भगवद गीता का दान करने का बड़ा महत्व है, क्योंकि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ये जो एकादशी है दोस्तों, ये सुबह 8:16 से शुरू हो रही है और 23 दिसंबर को ये सुबह 7:11 तक रहने वाली है। जो पहाड़ा का समय है दोपहर को 2 बजे से शुरू होने वाला है, 2:11 से जो 3:26 तक रहने वाला है। तो पहाड़ा का जो समय पीरियड आप पहाड़ा कर सकते हैं, इट्स वेरी बेस्ट फॉर यू। और मैं आपको बता दूं, आज के दिन आपको सोने से पहले एक छोटा सा काम करना है, वैसे ये काम आप स्नान के बाद भी कर सकते हैं। नाभि आपके शरीर में वो जगह है जो आपका सेंटर पॉइंट है। बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले जो उसकी जो नाड़ है जो नाभि से लगी होती है उसको कट किया जाता है। यहीं से बच्चे को पोषण मिलता है अपनी माता के शरीर से। जो भी माता भोजन ग्रहण करती है बच्चे के शरीर में उसका रस जाता है और उसका पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसी से बनता है। नाभि पर आप जिस भी चीज़ को रखते हैं उस चीज़ का पूरा पूरा इफेक्ट आपकी बॉडी पर होता है, पूरी बॉडी पर होगा। कई बार आपको बताते हैं कि नाभि के ऊपर आप हल्दी रखें, आज नाभि के ऊपर आप घी रखें, नाभि के ऊपर सरसों का तेल रखें। ये तमाम चीजें वो है जो आपकी किस्मत को चमका देती हैं। तो आज के दिन आपको क्या करना है, अपने नाभि के ऊपर अपनी ये 4 उंगलियां रखनी है। 4 उंगली रख करके आपको बोलना है श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। हाथ रखने के पहले आपको अपने उंगलियों को 3 बार इसमें फूंक मारनी है ओमकार बोल करके। उसके बाद आपको अपनी हथेली को अपनी नाभि के ऊपर रखना है और इस मंत्र का जितना ज़्यादा हो सके 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जितना आप करना चाहें उतनी देर आप इसका जाप करें। ये मंत्र नाभि के ऊपर जब आप हाथ रख करके बोलते हैं आपकी पूरी बॉडी की रक्षा कर देता है, आपका रक्षा कवच बन जाता है, आपकी बॉडी के आसपास एक ऐसी ऑरा पैदा करता है जिससे कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आप तक नहीं पहुंचती है। ये आपके घर के धन को भी बढ़ाता है, प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाता है, शत्रुओं का नाश करता है। करना कैसे है, सोने से पहले आप बेड के ऊपर बैठ जाए, पलाखी लगा करके अपना मुंह उत्तर या पूर्व दिशा में रखें, उसके बाद नाभि के ऊपर हाथ रख करके इस मंत्र का जाप करें, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है। अगर आप सुबह कर सकते हैं तो स्नान के बाद आप इसी तरीके से फर्श पर बैठ जाएं, आसनी के ऊपर जमीन पर आप कभी भी कोई भी मंत्र का जाप करें। एक चीज खास ध्यान रखें, कभी भी फर्श पर बिना आसनी के ना बैठे, पहले आसन बिछाए फिर उस पर बैठे। अदरवाइज जो पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो सतत आपकी जो शक्ति जागती है, मंत्रों के द्वारा जो शक्ति जागती है उसको वो अपने अंदर खींच लेती है और पुण्यफल आपको नहीं मिलता है। आसनी बिछा लेने से ये ऊर्जा आपकी बॉडी के अंदर ही निहित रहती है जिसका आपको पुण्यफल मिलता रहता है। तो आपको क्या करना है, आसनी के ऊपर बैठ करके इस मंत्र को 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जितना आपके पास समय हो वैसे आप बोले, बहुत अच्छा फायदा देखने के लिए मिलेगा। आज मैं देखिए जय श्री कृष्ण।